मेहरबान साहेबान कदरदान, स्वागत करती है आपका हमारी YouTube की दुकान। जी हाँ, इससे पहले कि तुम सब कमेंट सेक्शन भर दो, मैं खुद ही तुम सबको बता देता हूँ। हाँ भाई हाँ, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है और ये इंस्पिरेशन, मतलब स्टोरी टाइम वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मुझे मिली है YouTube के शहजादे ट्रिगर्ड इंसान से। तालियां। तो दोस्तों, आज से हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि स्टोरी टाइम सीरीज की धमाकेदार शुरुआत। और पहली बार, जी हाँ भाइयों और बहनों, पहली बार मैं आपके सामने लाइक्स का टारगेट रखने वाला हूँ। बस 25,000 लाइक्स का टारगेट है, 25,000 लाइक्स कर दो, अगली स्टोरी टाइम वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, वो एक बहुत ही हॉरर और डरावनी स्टोरी है दोस्तों, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित भी है, जो कि असलियत में मेरे दोस्त शांतनु के साथ कुछ सालों पहले हुई थी। आप सबको बता देता हूँ, शांतनु से मेरी मुलाकात एक रियलिटी शो में हुई थी, और वहाँ जब हम अनरियल रियलिटी शो से थक जाते थे, तब हम अपना झुंड बनाते थे और अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ बांटते थे, क्योंकि उस अनरियल रियलिटी शो ने हमें बांटने के लिए कुछ और दिया नहीं था। एक्सपीरियंस फ्री होता था तो हम वही बांट लिया करते थे। तो ऐसी ही एक बोरिंग रात के दौरान शांतनु भैया मूड में आ गए और अपना एक डरावना किस्सा सुनाने लगे। और तुम्हें तो पता ही है कि कुछ लोग कहानी सुनाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कहानी पूरे सुने बिना बंदा अपनी सीट छोड़ता नहीं है, और कहानी डरावनी और हॉरर हो तो भाई सुनने के बाद भी कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि फिर फट इतनी जाती है ना। और सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि सुसु करने साथ में कोई नहीं जाएगा। बस फिर हुआ यूं कि इन्होंने कहानी सुनाना शुरू की और हमारी फाड़ना भी। ये अपने चार और म्यूजिशियन दोस्तों के साथ महाबलेश्वर नाम की एक जगह में शो करने के लिए जा रहे थे। जहाँ ये जा रहे थे, उस जगह का नाम पहले ही सुर्खियों में रहता था, क्योंकि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती थीं। मतलब वो जगह इतनी ज्यादा डरावनी थी कि रात होने के बाद वहाँ पर चमगादड़ तक नहीं निकलता था। मतलब जो जानवर रात में निकलता है, वो भी रात में नहीं निकलता था। तो इंसान और बाकी जानवरों की तो बात तुम छोड़ ही देना। तो ये निकले गए डिले के रास्ते पर अपने म्यूजिकल शो करने के लिए। रात के बज रहे थे तकरीबन 2। सफर लंबा था, सब थके हुए थे और नींद में थे, और सबको बस होटल पहुंचने की जल्दी थी। फिर वो तुमने देखा होगा ना, एक अजीब सा रास्ता आता है ना हाईवे में, जब सड़क पतली पे पतली होती जाती है और बत्ती बुझती पे बुझती जाती है, मतलब जहाँ स्ट्रीट लाइट का कहीं नामो निशान तक दूर दूर तक नहीं होता। तो वैसे रास्ते में इन्होंने अपनी गाड़ी को एंटर किया, और एक तो अंधेरा भयानक था, ऊपर से सर्दी की रात थी और धुंध भी पड़ रही थी, विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। बस किसी तरह 50-60 की स्पीड में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। एक बहुत ही बुजुर्ग औरत उनके सामने दिखाई दी। जब वो कार से कुछ दूरी पर थी तो इन्होंने कार को थोड़ा स्लो कर दिया, लेकिन कार चलाते रहे। वो बुजुर्ग औरत रोड के किनारे खड़ी होकर इनकी तरफ इशारा कर रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो इनसे लिफ्ट मांग रही हो। वो ना मतलब इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, इन्हें ऐसा लग रहा था। अब धीरे धीरे ये उसके नजदीक पहुंचे, सबकी फटी हुई थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सलाह मशवरा करने लगे कि क्या गाड़ी को रोकना चाहिए या फिर भाई भगा लेनी चाहिए। अब उस अंधेरी रात में इनके दिल में, इनके कोमल से दिल में ये आया कि चलो बुजुर्ग औरत खड़ी है, इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी इनका एक दोस्त राहुल कहता है, भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, रात का टाइम है, यहाँ दूर दूर तक कोई घर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, तो रिस्क ना लेने में ही भलाई है। सारे दोस्तों ने हालात को मद्देनजर रखकर फैसला किया कि हाँ भाई हाँ, राहुल ठीक कह रहा है, रुकना ठीक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने कार को रोका नहीं और उस बुजुर्ग औरत के बिल्कुल नजदीक से होते हुए आगे बढ़ गए। इन्होंने उसे क्रॉस किया ही था कि तभी ड्राइव कर रहे इनके दोस्त अमित ने रियर व्यू मिरर में से देखा, तो उसको वो बुजुर्ग औरत नजर ही नहीं आई। उसने बाकी सबको भी यही कहा कि देखो यार, वहां तो वो औरत नजर ही नहीं आ रही जो अभी हमें पीछे दिख रही थी। सब एकदम भौचक्के रह गए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पहले तो इन्हें लगा कि अमित बहुत ही कमीना इंसान है, मजे ले रहा होगा, बेमतलब में मौके का फायदा उठा रहा है, अंधेरे का फायदा उठा रहा है, इसलिए मजे ले रहा है। लेकिन जब ये मुड़े तो भाई इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मजे अमित नहीं ले रहा था, शायद उस वक्त मजे इनसे भगवान ले रहे थे। ये पीछे मुड़कर देखते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं भाई, क्योंकि इनमें से किसी को भी वो बुजुर्ग औरत नजर नहीं आई। इन पांचों के बीच में सन्नाटा सा पसर जाता है, और तभी शांतनु कहता है, भाई बस अब जल्दी से गाड़ी को होटल पर पहुंचा दो, दिमाग खराब हो रहा है। अमित ने डरते डरते कार की स्पीड को बढ़ाया और 80 तक पहुंचा दिया। जैसे ये सब लोग थोड़ा सेटल होते हैं और आगे देखने लगते हैं, तो तुम्हें यकीन नहीं होगा भाई कि आगे इनके साथ क्या हुआ। भाई अचानक एक बुड्ढी औरत भागते भागते गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मार के बोलती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी और लिटरली यार वो बुड्ढी औरत साथ में भाग रही थी और जोर जोर से खिड़की पीट रही थी। तभी पता नहीं शांतनु कोई आइडिया कहाँ से आता है, वो कहता है, भाई बुड्ढी औरत की तरफ फोकस करना बंद करो, सामने देखो और उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। फिर जैसा शांतनु ने कहा था, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, इन्होंने बुढ़िया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। और कुछ देर के बाद इन्हें एहसास होता है कि वो बुड्ढी औरत अब नहीं है। जब वो बुड्ढी औरत इन्हें साइड में नहीं दिखी, तो इन्होंने अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगता है पीछे मुड़कर देखना ही सबसे बड़ी गलती थी इनके लिए। अब भाई इनकी पूरी तरह से फट चुकी थी और ये बस किसी भी तरह जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना चाहते थे। करीब घंटे डेढ़ घंटे के सफर के बाद ये अपने होटल पर पहुंचते हैं। गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था पूरे रास्ते, और वहाँ रिसेप्शन पर जाकर बैठ जाते हैं। असल में ये लोग जहाँ गए थे वो कोई होटल नहीं था, बल्कि वो एक गेस्ट हाउस था जिसका नाम था संजय शीला निवास। वो जगह एक्चुअली ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पर होटल वगैरह इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे।
ये वहाँ जाकर बैठे और कुछ देर के बाद एक अंकल आते और इनसे पानी वगैरह पूछने लगते हैं। उन अंकल से इन सब ने बोला कि अंकल हमारा मूड बहुत ही खराब है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, आपको जो भी खाना पीना देना है हमारे रूम में आप दे दीजिएगा, पहले जल्दी से आप हमें रूम दिखा दीजिए। उसके बाद वो अंकल उठे और इनको इनके रूम तक छोड़ आए। ये रूम में बैठे, उसके बाद अंकल ने इनके लिए पानी वगैरह का इंतजाम किया। ये सब इतने ज्यादा घबरा गए थे कि भाई जब भी बात कर रहे थे ना तो सिर्फ उस बुड्ढी के बारे में बात कर रहे थे। अंकल को ये लोग बोलते हैं कि अंकल खाना जल्दी से हमारे रूम में पहुंचा दीजिएगा, बहुत भूख लग रही है, खाना वाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे, सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह शो के लिए निकलना है। अब आधा पौना घंटा गुजर गया और अंकल का कोई नामो निशान नहीं था, कोई अता पता नहीं था। इन्होंने आवाज दी तो भाई किसी ने आवाज ही नहीं सुनी। फिर अमित और शांतनु रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां रिसेप्शन पर तो कोई बैठा ही नहीं है। बाहर निकलने के बाद इन लोगों को एहसास होता है कि उस गेस्ट हाउस में इन सब के अलावा और कोई भी नहीं था। अब ये उन अंकल को ढूंढते ढूंढते बाहर तक आए तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी ने इनसे पूछा, बेटा क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? अमित बोलता है कि एक अंकल थे ना यहाँ पर, उनसे खाने के लिए बोला था, ना तो अंकल दिखाई दे रहे हैं और ना ही खाना। वो आदमी ये बात सुनकर थोड़ा सा घबराया, फिर दबी आवाज में उसने इनसे कहा, भाई साहब यहाँ तो पिछले 40 साल से कोई नहीं रहता, इस जगह पर यहाँ के मालिक और मालकिन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल हुआ था, उसके बाद से इस जगह में इस प्रॉपर्टी में कोई कभी नहीं आया। फिर वो अंकल इनसे पूछते हैं कि आपको ये कमरा दिया किसने? अब भाई ये सुनकर इनके पैरों के नीचे से जमीन बिल्कुल ही निकल गई। भागते भागते ये अंदर बाकी तीनों के पास जाते हैं, तभी रिसेप्शन पे ये लोग ध्यान से देखते हैं कि एक अंकल और एक आंटी की फोटो लगी हुई है जिसके ऊपर माला डली हुई है। और गौर से देखने के बाद तो भाई अमित ने लेजिट अपनी पैंट में सुसु कर दिया, क्योंकि ये वही अंकल थे जिन्होंने इन्हें पानी दिया था और रूम दिए थे। भाई मतलब लिटरली अमित ने अपनी पैंट में सुसु कर दिया था ये देखने के बाद कि वो अंकल जिन्होंने इन्हें पानी दिया और खाना दिया वो मर चुके हैं। ये भाई जल्दी से भागे और सामान उठाकर इतनी तेज भागे कि इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। और जहां तक परफॉर्मेंस करने की, म्यूजिक शो करने की बात थी, इन्होंने उन लोगों का फोन भी नहीं उठाया, क्योंकि जिसका अपना बैंड बजाओ वो किसी और की शादी में बैंड बाजा क्या बजाएगा। उसके बाद ये लोग कभी भी उस एरिया के आसपास भी नहीं गए। देखो मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इस बात का फैसला तुम्हें खुद करना है कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जिस तरह से शांतनु ने मुझे स्टोरी सुनाई थी बिल्कुल उसी तरह से मैंने वो स्टोरी तुम्हें सुना दी। अब स्टोरी सच है या झूठ है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मानना है तो मानना, नहीं मानना तो मत मानना। देखो 25,000 लाइक्स का टारगेट तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा बाय हुक और क्रूक, और हाँ अगर तुमने 50,000 लाइक्स कर दिए तो बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा, रियल लाइफ स्टोरीज, और फिर उन स्टोरीज को अपने इस चैनल पर रिलीज करूंगा अपनी आवाज में स्टोरी टाइम वीडियो बनाकर। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे सुसु करने जाना है और मुझे वो कहानी याद आ रही है और मुझे डर लग रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। मम्मा मुझे बाथरूम तक जोड़ दो प्लीज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे भी आ जाऊंगी। सब्सक्राइब करो।